मेरा नाम है सुब्रमण्यम। लाइफ में हमेशा टॉप पर रहना चाहता था, लेकिन इतने टॉप पर रहूंगा ये सोचा नहीं था। अगर मैं यहां से गिर गया तो बस, मैं कौन हूं ये कोई पहचान नहीं पाएगा। जंगल में शेर के हाथों मारा गया ये सुनकर तो ठीक भी लगेगा, लेकिन बकरी के हाथों मारा जाने वाला इंसान शायद दुनिया में मैं पहला ही रहूंगा। मेरा 70 किलो का वेट अगर हाथों पर आ जाए तो आधा घंटा मैनेज कर सकता हूँ। अगर हाथ बदल बदल कर भी ट्राई करूंगा तो 1 घंटा मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन ये बकरी मुझे 1 घंटा भी जीने नहीं देगी। असल में मैं कौन हूं और यहां कैसे पहुंचा? Who am I? मेरे पापा एक बैंक में एम्प्लॉय थे। हर रोज बैंक में लाखों रुपए का हिसाब करते थे, लेकिन हर खर्च के हिसाब में हमेशा कंजूसी। जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, हर कोई अंबानी नहीं बन सकता ऐसा कहा करते थे। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। दुनिया में तुम कौन हो ये तुम्हारे बैंक बैलेंस से पता चलता है। उस बैंक बैलेंस के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। स्कूल तो बस एक टाइम वेस्ट करने वाली चीज है, उससे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलना चाहता था। 8th क्लास की उम्र में 10th क्लास में आ गया। धीरे धीरे सारे टीचर्स मेरे फैंस होने लगे। रोज सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाता हूँ। इट्स वेरी गुड फॉर माई कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली हर चीज अपने टाइम टेबल के मुताबिक ही फॉलो करता हूँ। चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बैंड। बहुत ज्यादा मन करे तो कभी रिपब्लिक डे या किसी संडे को एक खा लेता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा उड़ रहा है। ए, पकड़ो रे उसे। ए, रुक रे, ए, रुक, ए, छोड़, छोड़ मुझे। क्या बोला, आइसक्रीम्स खाना गलत है? आइसक्रीम्स आर वेरी गुड, आई विल गेट यू द बेस्ट आइसक्रीम। तो फिर क्यों हमारे पेरेंट्स के सामने नाटक कर रहा था? ए, छाता इधर कर। ए, छोड़ उसे। फर्स्ट टाइम उसे देखा था और मेरी लाइफ इतनी बदल जाएगी ये मैंने उस समय सोचा नहीं था। कौन है रे तू? ऋषि, 10th B। ये 10th A का मैटर है, बीच में मत पड़। यहाँ सेक्शन की बात नहीं मेरे भाई। क्यों रे, ज्यादा बोल रहा है तू? लगता है तुझे जलवा दिखाना ही पड़ेगा। ए सुबू, यही हमारा घर। ये अंदर रख दे। हाय माँ। हाय ऋषि। That's my best friend सुबू। ओ हाय सुबू। हाय आंटी। तुम ऋषि की फ्रेंड? हाँ। हो कौन से क्लास में हो? 10th में हूँ आंटी। ऐसे खाते है ऋषि? तुम्हें पता है मैं ऐसे ही खाता हूँ। ऋषि के फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। ऋषि उनके लिए एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। ऋषि जैसे फ्रेंड्स कब कैसे बन जाते हैं पता नहीं चलता। बहुत पहले से जानने वालों की तरह लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं। उसकी वजह से कई बार फर्स्ट टाइम चोरी करके बच निकला। फर्स्ट टाइम प्रोजेक्शन रूम में सिनेमा देखा। फर्स्ट टाइम साइकिल भी चलाई। फर्स्ट टाइम गिर भी गया। फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट डूब गया था। ऋषि जो मन में आया वो करता था। लाइफ तो उसके लिए जैसे बॉलीवुड सिनेमा है। तू है मेरे दिल की रानी, तू है मेरी जाने मन, आजा मेरी बाहों में। ऋषि क्लास में नहीं बल्कि क्लास के बाहर ही ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। सिर्फ हिंदी की क्लास को छोड़कर प्रभाकर सर को ऋषि बहुत पसंद करता था। पोर्शन से ज्यादा तो वो कहानियां ही सुनाते थे। पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम, और जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे ही आगे बढ़ेंगे हम। कितना अच्छा लिखा है ना। ये परिवार, नौकरी, संसार की जिम्मेदारियां, ये सब हमें कैदी बना देती हैं, सच से दूर लेकर जाती हैं। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू टीचर। आप कौन है? प्रभाकर सर कहाँ है? पहले तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी नई हिंदी की टीचर हूँ। प्रभाकर सर ने स्कूल छोड़ दिया है। अच्छा, ये सुबू, सुबू, हाँ, सुबू, क्या हुआ, इतनी रात को आ गया? हैप्पी बर्थडे सुबू। How did you know? वो सब छोड़, तेरे लिए सरप्राइज है। देखना, आगे क्यों बंद कर लो? अरे देख ले यार, so much fun. ए, कहाँ जा रहे? आओगे तभी तो बताऊँगा। बर्थडे पर लोग थिएटर या होटल लेकर जाते हैं। तू कहाँ लेके जा रहा है यार? अरे आना यार, सरप्राइज से बताया ना। बहुत सरप्राइज हो गया, अब बस कर। ए, चल घर चलते हैं। वो देख, अघोरी है, ये मुर्दे खाते हैं। ये क्या बोल रहे है? हाँ यार, आओ। हेलो सर। यहाँ कैसे पहुँचे?
आपके बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया था सर। वो कौन है, सुबू है क्या? हाँ सर, आज इसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, आओ गुरुजी का आशीर्वाद ले लो। जाना यार। नहीं सर। ले लो। जाना। जा। अब जा। पैर छू। सर एक बात बताइए, आपके गुरुजी का आश्रम नहीं है, यहाँ स्मशान में क्यों बैठे हैं ये? स्मशान हो या मंदिर हो, पत्थर हो या हीरे हो, तुम हो या मैं हो, सब एक ही है, अघोरियों का ये पहला सूत्र है। ये सब ठीक है सर, आप वापस क्लास में कब आओगे? नई टीचर आई है, बहुत बोर होता है सर। संसार के सारे बंधन तोड़कर मैं बाबा के साथ दूध काशी जा रहा हूँ, ये वहीं समाधि लेने वाले हैं। वो कहाँ है? हिमालय पर्वत में कहीं दूर एक रहस्यमय तालाब है, उसी को पुराणों में आकाश गंगा कहते हैं, वहीं पर। हम लोग दोबारा आपसे कब मिलेंगे? हम भी साथ चल सकते हैं क्या? वहाँ पहुँचने के लिए भाग्य चाहिए, सबके भाग्य में नहीं होता। वाओ, वहाँ तो फिर जरूर जाना चाहिए। गुरुजी से पूछिए ना, मेरे नसीब में है क्या? क्या मैं वहाँ जा पाऊंगा? क्या ये भी मेरे साथ आ पाएगा? कौन किसे कहाँ लेकर जाएगा, ये केवल शिव ही जानते हैं। हिमालयास, सीक्रेट लेक, यार हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। पहले मुझे घर जाना है, तेरी वजह से पूरा टाइम टेबल खराब हो गया, अब दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। छोड़ ना यार, चाहे कुछ हो जाए हमें किसी भी हालत में दूध काशी जाना ही होगा। ए, आगे देख। सोचा था सुबह के साथ रहकर सुधर जाओगे, लेकिन तुम उसे भी बिगाड़ रहे हो। अंकल एक्चुअली बाइक सुबह पर... आधी रात को घूमना जरूरी है, कहाँ जाना है तुम्हें? दूध काशी। सॉरी, आई मेक श्योर दिस वोंट हैपन अगेन। उस एक्सीडेंट की वजह से ऋषि के पापा बहुत गुस्सा हो गए थे, बाद में हैदराबाद से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए, तब से हमारा रेगुलरली मिलना भी नहीं होता था। अब मेरे प्लान में किसी का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। पशुपति इंडस्ट्रीज की नींव किस पर टिकी है? जमीन पर भरोसा रखकर खाना देने वाले किसानों का भविष्य क्या ऊंची इमारतों में रहने वाले ही तय करेंगे? रामाया सीड्स की कंपनी ने 50 सालों से लगातार प्रॉफिट कमाया है। किसानों के भरोसे को जीतने वाले, सबको अपना घर परिवार मानने वाले उस कंपनी के MD है रामाया जी। दूसरी तरफ है पशुपति इंडस्ट्रीज, कई हाईटेक पार्क के निर्माण करने की महानता इस कंपनी में है। अब ये कंपनी रामाया जी की कंपनी को खरीदना चाहती है। इस कंपनी को हम सब ने मिलकर मेहनत से आगे बढ़ाया है, इसमें पैसे नहीं हमारी जिंदगी है। हम अपनी जिंदगी को किसी भी हाल में बिकने नहीं देंगे, उनके लिए हमारा जवाब ये है। क्या है ये? What the hell is this money? उन शेयर्स के लिए 10% प्रीमियम का भी ऑफर किया, ऐसा सोचा नहीं था। Enough! मैंने ये ऑफर प्राइवेटली देने बोला था, और वो इसे टीवी में दिखाकर हमारी धज्जियां उड़ा रहा है। Call the TR department and tell them to fix this immediately. Okay, okay. सुबह कहाँ है? Hey, सुबह. न्यूज देखी क्या? डैड बहुत ज्यादा अपसेट है, तुम जानते हो ना डैड ने इस रमैया कंपनी को खरीदने की कितनी कोशिश की है। जल्दी आओ, डैमेज कंट्रोल करना। ओके, स्टॉप इट एंड वी हैव टू गेट बैक द रमैया कंपनी। सुबह, गलती मेरी ही है, इतने सालों में बहुत सारी कंपनियां खरीद ली, अब सिर्फ एक ही रह गई है। एक्चुअली माय क्राउन आस लगा के बैठा था। आस लगाना गलत नहीं है सर, रमैया कंपनी आपकी ही है। पागल की तरह मत बोलो, 50 सालों से रमैया अपनी कंपनी को अच्छी तरह से संभालता आया है, वो किसी भी हाल में अपनी कंपनी को नहीं बेचेगा, मैंने ट्राई कर लिया है। आपने अपने हिसाब से तो ट्राई कर लिया, अब मैं करूंगा। पशुपति, देख रहे हो पशुपति, अपने सीनियर से किस तरह बात कर रहा है ये? सुबह, ये इतना आसान नहीं है, कितना भी पैसा दो शेयर होल्डर्स तैयार नहीं हो रहे। पैसे की ऑफर नहीं देनी है सर, आशाएं और जरूरतें। तुम हमें सिखाओगे? तुम्हारे ऑफर से ढूंढते हुए आ जाएगा वो। सर सर रुक जाइए, यहाँ सुब्रमण्यम कौन है? सर, एक सर, बार कहने पर समझ में नहीं आया, मीडिया के सामने फाड़ दिया था ना, फिर भी वापस भेजा, तुम्हारे सामने ही फाड़ दूं क्या? फाड़ दो फाड़ दो फाड़ दो, इसके फटने से मुझे 50 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन इस पर आप सिग्नेचर करोगे तो आपको 50 लाख मिलेंगे, यानी आपके शेयर वैल्यू से भी डबल वैल्यू।
घूस दे रहे हो? नहीं 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 नहीं, आपकी ईमानदारी को बखूबी जानता हूँ मैं, लेकिन ईमानदारी और 30,000 रुपए की सैलरी में आप अपने बेटे को अमेरिका भेज पाओगे और अपनी बड़ी बेटी की शादी करा पाओगे? ये सब तुम्हें कैसे पता? फिर भी उसका इससे कोई संबंध नहीं है, हम सबके ऊपर रामैया जी का बहुत उपकार है। तुम कुछ भी बोलो, हम कंपनी से गद्दारी नहीं करेंगे। यही डायलॉग, हाँ, रंगनाथ जी ने अपने 10% शेयर्स बेचने से पहले कहा था। हाँ, भास्कर जी ने भी कहा था। आप सब लोग एक ही बात करते हो। भास्कर ने भी? कीर्ति जी, टी। ओके सर। देखिए, रामैया कंपनी पिछले 4 साल से लॉस में है, सेल्स कम हो चुका है, पगार भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 6 महीने मैक्सिमम 1 साल के अंदर कंपनी बंद हो जाएगी, उसके बाद हजारों लोगों की नौकरी चली जाएगी, वही होगा धोखा। वो सब रामैया जी देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? रामैया जी जैसे लोग बिजनेस नहीं कर सकते, ये बात आप भी जानते हो। मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, वरना कंपनी यूं ही बंद हो जाएगी। विदाउट ही लोगे क्या? शुगर आपको है ना? देखा, आपके बारे में आपसे ज्यादा मैं सोच रहा हूँ। देखिए गोपाल राव जी, अपने 10% शेयर्स रमैया जी के लिए संभाल कर रखना अभी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन 6 महीने बाद आपकी कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाने के बाद, आपके बेटे की पढ़ाई रुक जाने के बाद, आपके बेटे की शादी रुक जाने के बाद, आपको उतना सही नहीं लगेगा। आप चाय लीजिए शांति से, अपने फ्यूचर पर सिग्नेचर कर दीजिए। गोपाल राव जी के लिए। हाँ, वैसे भूल गया एक और बात, मनी जी ने भी कोशिश की थी तो उनके लिए भी। मनी, आई रियली डोंट बिलीव दिस। सुबू, ये सब कैसे किया? आई नो ये डील आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फ्रॉम फ्यू मंथ्स। ओह, टोटली 50% शेयर्स सर। 51% चाहिए सर, अपने कंट्रोल के लिए। आपकी जानकारी बहुत कम है सर। बिलीव मी सर, रामैया की बहन का बेटा, उसे बहुत लाड से पाला है, उस पर बहुत सा कर्जा है, हम उसी बात का फायदा उठाएंगे। उसके नाम के 1% शेयर्स मैं खरीद रहा हूँ। आर यू श्योर? 100% सर, अगले 2 दिन में वो शेयर्स हमारे हो जाएंगे। Amazing सुबह। अब तक जो मैंने नहीं किया वो, हे मनी, प्रेस वालों को जल्दी बुलाओ, वी विल अनाउंस रामैया कंपनी अब हमारी है। चाय पिलाकर बहुत अच्छे से बोतल में उतार लिया सर, आपका जवाब नहीं सर। बाय द वे सर, मेरी शादी तय हो गई है। किससे? मेरे रिश्ते में ही है, गांव में रहती है, बचपन से जानता हूँ उसे। लाइफ में क्या करना चाहते हो कीर्ति? मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ सर, आप मेरे रोल मॉडल हैं सर। अगर मैं अपनी मामा की बेटी से शादी करूंगा ना, तो अपनी इस पोजीशन से तुम्हारी पोजीशन पर आ जाऊंगा। ऐसा क्यों सर? मामा की बेटी से शादी करने के बाद तुम्हारे लिए त्योहारों में गांव से ज्यादा अचार आएगा। हाल ही में आंवले का अचार आया था सर। अच्छा था? अच्छा था, लेकिन थोड़ा देखा था। एक्चुअली मुझे आम का अचार पसंद है और नींबू का तो उससे भी ज्यादा। हाय सुबु। हाय रिया, कम। हाय। सो मिस्टर सुब्रमण्यम। सो रिया, 20 साल से जो कंपनी पापा नहीं खरीद पा रहे थे वो अब हमारी होने वाली है, वो भी तुम्हारी वजह से। यू नो, मुझे कोई भी चीज आसानी से पसंद नहीं, आई वांट द बेस्ट इन एवरीथिंग। मी टू। इसलिए तुम भी अच्छे लगते हो। तुम्हारे पापा हाँ कहेंगे तो मैं रेडी हूं। थैंक यू वेरी मच। हाय। हाय। रिया की शादी बहुत बड़ी बिजनेस वाले फैमिली में करवाने की सोची थी, लेकिन ऐसे बैकग्राउंड वाले के साथ हाँ कर देंगे। मिसेस अग्रवाल का नेकलेस देखा? डेफिनेटली इमिटेशन है, इन्होंने बिजनेस के लिए सारे गहने बेच दिए थे। कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। Hello, congratulations. Congratulations. Hello, I was just telling my husband how lucky Riya is. What a perfect couple. Hello, everybody. Thank you very much for coming today. Thank you. जब मैं पहली बार सुब्रमण्यम से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है, और तभी याद आया वो तो मैं ही था। बिजनेस करने के लिए चाहिए भूख, ये सारी दुनिया को निगल जाए उतनी भूख। इस पोजीशन पर आने के लिए मुझे 30 साल लग गए, बट सुबू जस्ट 5 सालों में आ गया। टू बी प्रिसाइज एंड सिंपल, सुबू इज द फ्यूचर।
And I think my daughter has made the smartest decision in her life. Hmm? Riya, my darling, come. I love you very much today. You know why? मुझे कहीं ना कहीं बेटे की कमी खलती थी, पर आज के बाद वो खत्म हो चुकी है. Welcome to the family, my boy, Subbu. Here, I have something for you. Please. अभी तो सिर्फ चाबी ही है, लेकिन 10 दिन बाद तुम्हारे लिए स्पेशली डिजाइन की हुई कार भी आ जाएगी. थैंक यू सो मच सर. हे प्रवीण, Riya, did you invite him? No, Dad. Then who the hell is he? Hey, Subbu, mere bhai! Abhe, ek call bhi nahi kiya. Hey, tu mujhe chhodkar kahin nahi ja paayega. Hey, abhi nahi, main tumse baad mein baat karta hoon. Arre, bhabhi, tera to jackpot lag gaya, bhai. I mean, beautiful. Shaadi ke liye bhi bahut time hai, bhabhi. Iske baare mein kuch puchna ho, just remember me. I'm single. Hey, ये मेरा फ्रेंड ऋषि है. फ्रेंड क्या बोल रहा है? बेस्ट फ्रेंड. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. अरे अंकल, ओ ससुर जी, वी आर बेस्ट फ्रेंड. अंकल गिव मी 5. आंटी, ए ए नमस्ते आंटी जी. आई डोंट लाइक दिस. गेट हिम आउट ऑफ हियर. हे सुबू. हे भाभी, आपने कभी सुबू को डांस करते हुए नहीं देखा होगा. हे सुबू, दिखा दो इन्हें. रेडी? अब मैं 1 2 3 गो. वैसे आप हमारी गैंग में शामिल हो चुकी. चलो Come with me. Hey, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सबको संभाल लूंगा. Hi, Subbu. Hi. आज 12 बजे कैसो पैराडाइज में अपॉइंटमेंट है. आ रहा हूँ अभी, पहुंच जाऊंगा. जल्दी आ जाओ सुबह. हेलो, ये डिस्टरबेंस क्या है? ये साउंड कैसा? हेलो रिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ. सविता, सविता बैक स्ट्रेट रखो. सविता, हर रोज सुबह ऐसी ही साधना करनी चाहिए, ना भी से. ये सब क्या है? हे सुबू, उठ गया तू? आजा बैठ, जॉइन अस. सविता, तुम क्यों रुक गई? याद नहीं है बाबा ने कहा है हर रोज 10 मिनट. सविता, जाकर किचन में अपना काम देखो. ये सांप जी जाने नहीं दे रहे थे मुझे. क्या कर रहा है यार, करने दो से. हाँ, हमेशा ऐसे ही करता है. सविता, आज तुम्हारी छुट्टी है. आज खाना मैं बनाऊंगा. बता क्या खाएगा? पैक बीन्स, पैनकेक्स, हैश ब्राउन्स या ऑमलेट. खाना बनाना आता है क्या? ए, गोवा में मेरे हाथ का खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, समझा? तू गोवा कब गया? क्रिसमस के टाइम. मैंने वहाँ गाइड का काम किया था. टेक्स्ट किया था, मिला नहीं क्या? तो अब क्या यार, अब तो असली चीज है. आ, तुझे एक चीज दिखा. अरे ऋषि, अरे रुकना, कहाँ लेकर जा रहा है? मेरे लिए सरप्राइज है यार. दादा, ये अभी तक जिंदा है? ए, दादा इज फॉर एवर यार, मेरे बाद भी रहेगी, ये देख लेना. है ना दादा? ए, चल राइड पर चलते. मैं नहीं चल रहा हूँ, लास्ट टाइम का फ्रैक्चर याद है मुझे. ए, दादा पर पहली राइड पर मैं तेरे साथ ही गया था, लास्ट राइड पर भी तेरे साथ ही जाऊंगा. ये लास्ट राइड क्या है? मैं नहीं आऊंगा. रुक जा. तुझे पता है मैं दादा को लेकर कहाँ कहाँ गया था? प्रोफेशनल बाइकर्स भी वहां जाने से डर जाए, वहां तक गए थे हम दोनों. आई मिस हिम यार. मिस हिम क्यों? इसे बेच रहा हूँ यार. बेच रहा है? कौन खरीदेगा इसे? दूध काशी जाने के लिए पैसा चाहिए ना, इसीलिए बेचना पड़ेगा. ये दूध काशी क्या है? दूध काशी क्या है? ए, बचपन में स्वामी जी, स्मशान और हम सब भूल गया क्या? तो अब तक भूला नहीं क्या? तो सच में तू वहां जा रहा है? हाँ जा रहा हूँ, तू भी चलेगा. वहां बहुत ठंड होगी, स्वेटर, मंकी कैप सब कुछ पैक कर ले. लेट्स गो सुबू. अबे जा, लाइफ में सेट नहीं होना है, हमेशा ऐसे ही घूमेगा. ए, चाहे तो कुछ भी बोल, दूध काशी का नाम मैंने पहली बार तेरे साथ सुना था.
और तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। ये फाइनल है और वो मैजिकल जगह है यार। ए, कोई दाढ़ी रखने वाले और शमशान में बैठने वाले बाबा की बातों पर यकीन कर रहा है क्या? सुबू, बाबा ने कहा था कि वहाँ जाने के लिए नसीब चाहिए तभी जा सकते हैं। जानता है मेरे दादा क्या कहते थे? राजा ने मछली से पूछा, मछली मछली तो सुखी नहीं है। वो भी सच है, ये भी सच है। सच में सच है यार, हमें दूध काशी बुला रहा है एक साथ। मैं तो बस यूं ही घूमने निकला था, फिर एवरेस्ट वाले बाबा मुझसे क्यों मिले? वहाँ एक गाइड है जिसका नाम पवन है, उसने मुझे कहानी बताई। उसकी और हमारी कहानी बिल्कुल मैच हो गई। क्या मतलब है इसका? उसका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है, कॉल भी किया, सब कुछ सेट कर दिया। मतलब वो जगह हम दोनों को बुला रही है। मुझे क्यों बुलाएगा यार, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? तुझे बुला रहा है, तू जा ना। आरिया, फोन क्यों कट किया था? वो नींद में था ना, तो जल्दी आ जाओ सुबह। हेलो, ऑलरेडी ऑन द वे। पागल जैसा ट्रैफिक है, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। मैं बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। ओके बाय। बाबी, डेट है? बता कहाँ जा रहे हैं? कैसा पैराडाइज? वो क्या है, होटल? घर है, खरीद रहे हैं। इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, बिना इनविटेशन के कोई नहीं जाता। हमें तो किसी ने इनवाइट नहीं किया। जहाँ कोई बिना इनविटेशन के नहीं जा सकता, ऐसी प्रॉपर्टी में मुझे भी जाना है। आ सकता हूँ? यस। बैठ जाओ। अरे ऋषि, तुम क्या करते हो? कुछ भी। कुछ भी मतलब जॉब नहीं है? क्यों नहीं है, है? फुल टाइम जॉब, 24/7, 365 days, एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती, तुम जानती हो? अच्छा, क्या है वो? जिंदगी, लाइफ यार। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब और क्या हो सकता है? ऐसी कहानियां बताकर लाइफ से अच्छे से बच जाते हो। लाइफ? मैं लाइफ से बचता नहीं, उसे एंजॉय करता हूँ यार। अगर तुमसे कोई पूछता है कि लास्ट टाइम एंजॉय कब किया था, तो क्या बोलोगे? हाँ, रमेश की शादी में थोड़ा बहुत एंजॉय किया था। उसके बाद जब मैं अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ इंडिया गया था, तब मैंने एंजॉय किया था। मुझे जिंदगी में खुशी के बल इतनी नहीं चाहिए जिन्हें मैं उंगलियों में गिन लूं और जिंदगी भर रोता रहूं। आई वॉन्ट टू लिव लाइफ यार, फुली, एवरी सेकंड। अगर पैसे चाहिए तो? पैसों का क्या है, कमाने के लाखों तरीके हैं। Hello, welcome to Casa Paradise. I'm Naina, your hostess. Hello. Today I'll be showing you the property and before entering the property, please wear your shoe mask. Sure. Shoe utar ke aa sakte hain? Aapka plastic bach jayega. Sorry, no barefoot. Management rules. Pehle pata hota to hum apne cover khud pehen ke aa jaate. Sahi kaha na? Chalo. Please. This villa has a private swimming pool with automatic temperature control and it also has a special feature which is inbuilt. Bechara, kya hua ise? This is an imported eco banitry from Japan. Japan? Japan jaisa to nahi lagta, lagta hai zabardasti lagaya hai. Please come in, I'll show you some interesting features. Yeah. Ye samaj bechare ek ped ko ped ki tarah nahi jeene deta. Also we have 24 hours consign service and the entire marble flooring is directly imported from Italy. All this wall furnishing designs are from England. This furniture is from Paris. State of the art security system is from Germany. State of the art ka matlab? Chal. What about that? Yeah, I'll show you. Please come. I think I made it. You made it? Yaar, ek correction hai. Ek diwar tod denge to mast cricket khel sakte hain. Straight wall 4, ek tappe pe out. Kya cricket? Ha, wo glass kitna costly hai janta hai? Ha, usko laga to out. ए, घर तेरा ही है, पहले बैटिंग तू कर लेना। ये डिजाइनर शाइन लाइट स्पेशली बेल्जियम से ऑर्डर की हैं। इसका मतलब इंसानों को छोड़कर इस घर में इंडिया का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? यस सर, ऐसा लगेगा आपको क्या फॉरेन में है। वेरी गुड। टॉयलेट्स, फिटिंग्स, एवरीथिंग, सब कुछ इटली से है। एंड डिजाइनर टॉयलेट पेपर्स भी हैं। ए, जो बहुत ज्यादा हो रहा है यार, डिजाइनर का क्या मतलब है? यूज के बाद सजा के रखोगे क्या? Sir, you may not be aware of all these comforts, but nowadays people are expecting all these things. My phone. Excuse me. Hello? परसों की फोटो का इतनी गंदी है? का खाना खा रही हो या नहीं? सुन रही हो या नहीं? सर प्लीज उन्हें बोलिए ना। सर प्लीज। सर परेशान हो रहे हैं। सर बोलिए ना यार। क्या कर रहा है तू? आवाज नहीं आ रहा। मेरा फोन। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, फोन रखो। क्या बात है मैडम, हमों से तुम अपन नाम छुपा रहे थे। ये नाम तो रुपए बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। नैवेद्य नागमणि, शॉर्टकट में नैना। नागमणि, कितना प्यारा नाम है, फिर ये नैना वाला नाम क्यों रखा है? हम कंटिन्यू करें? या। What about this slum over there? That's not a big problem, ma'am. ये स्लम, झोपड़े, लोग कोई नहीं रहेगा बाद में। कमिश्नर से बात भी हो चुकी है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? वो तो पता नहीं सर, पर इन्हें इन सब की आदत है। सही कहा, गरीब की एंडिंग अमीर की बिगनिंग होती है। सर, यू लाइक द प्रॉपर्टी? श्योर, आई लाइक इट। व्हाट? नहीं सर,
बट सर वो अब लेकिन ठीक है आ रहा हूं सर। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा सर। असल में दो दिन पहले की तो बात है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सबके मना करने पर भी तुम पर भरोसा किया, इतने पैसे खर्च हो गए कुछ भी नहीं बोला, तुम्हें अपनी बेटी का हाथ भी दे दिया। ये पैसे की बात भी छोड़ दो, मेरे कंपनी की इज्जत, मेरा नाम सब सड़क पर ले आए। सर ऑलरेडी मैंने पैसा भेजने के लिए बैंक के डिटेल्स भी लिए थे, इतने में ही ये सब। तुमने रमैया को कमजोर समझ लिया था, तुमसे पहले उसने शेयर्स खरीद लिए। नो प्रॉब्लम, सबसे गलती होती है। तुम्हारे मामले में मुझसे भी गलती हो गई, इसलिए सब कुछ भूल जाता हूं। सर मैं रामैया से बात करता हूं, आई कैन फिक्स दिस। नहीं किया तो तुम्हारा करियर ही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर रिया सर इमरजेंसी है सर, मेरी सासू माँ बहुत बीमार है सर। कीर्ति सुबह गुड न्यूज सुनकर शॉक हो जाओगे। क्या है वो? कल हम दूध काशी जाने वाले हैं। ठीक है यार, कल नहीं तो परसों चले जाएंगे। अरे पागल हो रहा हूं यहां मैं और तू दूध काशी किए जा रहा है? यहां लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, इतने सालों का काम प्लानिंग सब कुछ वेस्ट हो गया। वो रिया भी फोन नहीं उठा रही है। इतना सा काम करके कंपनी में पार्टनर बनने ही वाला था, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया मतलब कल से तुम बिल्कुल फ्री हो? तो दूध काशी चलते हैं। ठीक है यार, ओके चीयर अप। तुम सुबह हो, हार नहीं मानोगे, डोंट गिव अप, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो ये सब क्या फैला रखा है, ये सब वेस्ट है यार, ये सब तो 50-100 के चिल्लर शेयर्स हैं। ये सब वेस्ट है क्या? राजकुमार 35 शेयर्स वेस्ट। सुनीता एज 63, ये तो सच में वेस्ट है। कृष्णमूर्ति 100 क्लास ए शेयर्स वेस्ट, सॉरी ए क्लास वेस्ट। अभी क्या कहा? दूध काशी जाना। अरे वो नहीं, अभी थोड़ी देर पहले। अभी कृष्णमूर्ति 100 क्लास ए शेयर्स। क्लास ए शेयर्स का मतलब 180,000, पूरे 1,00,000 शेयर्स। एक बार दे तो मुझे। दूध काशी चलेगा तभी दूंगा ये। ए, सच में वो क्लास ए के शेयर्स हुए तो दूध काशी क्या जहां बोलेगा वहां चलूंगा। ला। रेशे सुबू, देख बचपन से मैंने तुझे अपना दोस्त माना। कृष्णमूर्ति, इसमें तो एड्रेस भी है, चल चलते हैं। हे, इस वक्त जाएंगे तो चोर समझेगा मैं। क्या? अच्छा चोर समझेगा, तो कल सुबह चलें। ए, मैं पार्टी दूंगा। चल ताज में चलते हैं। ताज में नहीं, मैं एक खास जगह लेकर चलता हूँ। दूध काशी, कम से कम उसके नाम पे तो पियो। स्ट्रॉन्ग है यार, पूरा सिर घूम रहा है। अभी तो एक ही क्वार्टर हुआ है। क्या मतलब? तू मतलब की बातें छोड़ दे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। इंटरेस्टिंग है? रिया कैसी, ये बता। रिया, हाँ। बताता हूँ। रिया बंजारा हिल्स में पैदा हुई, अमेरिका में फैशन डिजाइनिंग सीखा, पेरिस में मॉडलिंग की, पशुपति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस है। वो परफेक्ट है यार, एकदम परफेक्ट। मैंने तुमसे लव स्टोरी पूछी थी, बायो डाटा नहीं। अच्छा प्यार क्या होता है? प्यार यानी रिया यानी जिंदगी। जिंदगी यानी लैडर से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। बस कर यार, प्यार नहीं हुआ तो जिंदगी रुक जाएगी, शादी नहीं होगी। हाँ होगी, ये बात सुहागरात होगी। और सुहागरात को क्या तुम मजाक समझ रहे हो? ये हर इंसान की जिंदगी का खास दिन होता है। अब कैसे समझाओ? ये तुम समझो, ये रिया है, तुम दोनों मिलकर कहाँ गया? ए, तुम मेरी दारू पी गई?
अरे मेरे पास है ही एक बोतल, वो भी पी गई। पी गई? अरे मेरी बोतल पी गई यार, मेरी। अब वक्त तुम्हें फर्स्ट टाइम दारू पिए मैंने। इससे पहले कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी थी, पता है। बर्थडे इसलिए नहीं पी रही हूँ, बर्थडे किसी को पता नहीं है इसलिए पी रही हूँ। पार्टी मांगने वाले फ्रेंड्स नहीं है, लेट घर जाने पर पूछने वाली फैमिली नहीं है। अब लगता है पूरी लाइफ अकेले ही बितानी होगी। बालों के पीछे का चेहरा देख रहा था। अकेली लड़की को देखकर ऐसी हरकतें मत करो, समझे? हेलो, आई एम ऑलरेडी एंगेज। उसका नाम रिया है। रिया ही मेरा फ्यूचर है, रिया ही मेरी जिंदगी है। जिंदगी यानी अपनी बेटर यानी जिंदगी, तो उसके बीच में तुम कैसे आ गई? हाय, आई एम ऋषि। आई एम सुबो। हाँ तो क्या? तो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स बनने के लिए तो पहले जानना होगा ना। और जानने के लिए पहले फ्रेंड्स बनना पड़ेगा ना। ये सब मुझे पता है, तुम लड़के हो ही ऐसे, दो दिन के बाद छोड़ के चले जाओगे। नेवर, एक बार हाथ थाम लो, लाइफ टाइम की गारंटी देता हूँ। अरे हम दोनों ही हैं, तुम भी ज्वाइन कर लो, अब तीन हो जाएंगे, थ्री मॉस्किटर, एंड हम हमेशा मिलकर रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, सुबह भी रहेगा तुम्हारे साथ। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरा नाम नंदी है। नंदी, नंदी, मैं और सुबु मिलकर दूर काशी जाने वाले हैं। कान में क्या बात कर रहा है? नंदी के कान में बोलने से विश पूरी हो जाएगी। ए? तो मेरा मैटर भी बताना है। दूध काशी कहाँ? दूध काशी हिमालय के पास एक बहुत बड़ी चोटी है, वो एक मैजिकल प्लेस है। जब मैं छोटा था मैंने तभी वहाँ जाने की ठान ली थी। जिंदगी में अगर कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं यहाँ जरूर जाऊंगा, वो भी सुबू के साथ। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ए, अगर हम वहाँ जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो। मैं क्या हूँ मुझे पता है, तू क्या है जाके पता लगा, उसे भी लेके जा। अच्छा तो कौन हो तुम? सुब्रमण्यम। ये तो तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो? मैं पशुपति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जनरल मैनेजर हूँ। तुम्हारा जॉब नहीं यार, ये बताओ तुम कौन हो? मैं हूँ सुब्रमण्यम, आई एम अहमदाबाद। क्वालिफिकेशन नहीं यार, तुम कौन हो? कौन है ये सुब्रमण्यम? ट्रेन, कम जॉइन। ए लड़के तुम भी आओ। ए, कहाँ जा रहे हो? दूध काशी मतलब? आप नहीं जानते? आपको उन्हें जानना है तो हमारे साथ दूध काशी चलिए। एक मिनट। ए, तुम कौन हो? ए, मैं कौन हूँ बता। सर मैं भी कब से यही सवाल पूछ रहा हूँ, कौन है ये सुब्रमण्यम? तू मुंह बंद कर। ए, कौन है तू? देखो साई कुमार। मैं साई कुमार नहीं हूँ। साई कुमार हो या राजशेखर, मैं और मेरा दोस्त पी रहे थे तो ये लड़की बीच में आके हमारा ड्रिंक पी गई। लड़की? कौन लड़की? कहाँ है लड़की? उस तरफ गई। चलना यार। ए, रुक जा। हे सुबू, कल दूध काशी के लिए निकले क्या? अरे पहले इसे देखने दे यार। मैंने पवन को कॉल किया यार, उसने सब कुछ सेट कर लिया है। मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, तू भी अपनी पैकिंग कर ले यार। इस पे तो ताला लगा हुआ है, लगता है इन्होंने भी कोई टूर प्लान किया होगा। सुनिए ये घर क्या है? कृष्णमूर्ति जी। कृष्णमूर्ति जी का घर है? वो नहीं है क्या? हाँ वो तो नहीं है, वो हमें पता है। ये बताओ ये गए कहाँ हैं? वो तो गुजर गए भाई। क्या गुजर गए? ये कैसे हो सकता है? अब ऐसा हो गया तो क्या करूं भाई। हेलो
तो वो कपड़े? हाँ वो कपड़े ही है भाई। तो घर में कोई नहीं रहता? घर है तो कोई ना कोई तो रहता ही होगा। वही पूछ रहा हूँ कौन रहता है। पड़ोसियों के बारे में मुझे क्या पता भाई। अरे इसे एक बार जोर से पकड़ यार। हाँ आओ भाई आओ। दूध काशी चलोगे ना? चलूंगा पहले पकड़। पकड़ो भाई पकड़ो। क्या प्रॉब्लम है? रुक जाओ भाई, आई गॉट योर फ्रस्ट्रेशन। इस घर में कृष्ण मूर्ति जी की बेटी रहती है, नाम है आनंदी। तो अब वो कहाँ पर है? इस वक्त तो टेरेस पे ही रहती है, अब तक धोकर सुखा चुकी होगी। तुम जाओ। ऋषि चल यार। लगता है उसके साथ कुछ हो रहा है। बाप रे मेरे शेर्स। कोई दिख नहीं रहा उधर। कृष्णमूर्ति की बेटी कौन है, कैसे पता लगा है? वो अकेली बेटी जैसी लग रही है, बाकी तो सब कृष्णमूर्ति के बैच के लगते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट जो सिखाऊंगी उसका नाम है टाइगर क्लॉक। ओके, कराटे का बेस्ट सेल्फ डिफेंस है ये। चलो करते हैं। नाउ लेग अप, यस, किक किक किक। आंटी आंटी आंटी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आपको? उठ जाइए, नथिंग टू वरी। अरे आराम से, घर में रहना चाहिए, सब करने की क्या जरूरत है? आप भी ज्वाइन कर लीजिए अंकल, सेल्फ डिफेंस तो सबके लिए जरूरी है। अरे हमें इन सब की क्या जरूरत है, हम मर्द हैं मर्द। ओह अच्छा, हेमंत जी यहाँ आइए। कम अंकल आप भी आइए। आइए तो सही, हिम्मत है तो अपनी बीवी पर अटैक कीजिए। सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा। कीजिए तो सही, इनकी कैपेसिटी पता चलेगी। अरे इससे क्या पता चलने वाला है, 30 सालों से तो साथ में हूँ। अंकल पहले कीजिए। आंटी टेक योर अटैक पोजीशन। आंटी ये क्या कर रही है? ये तो मेरे पति है ना बेटी। आनंदी यानी ये है, यानी धोकर सुखाने वाली यही है। हे नंदे वायलेंट लड़की। हे तुम लोग यहाँ कैसे? फ्रेंड बोला था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वो आनंदी, कल तुमने अपना नाम नंदी बताया था, तुम्हारा नाम आनंदी है? What is this? आनंदी नाम सुनते ही सब बालिका वधू कहते हैं, इसलिए नंदी बोलने लगी। बालिका वधू? एक्चुअली मैं ये चंद्रमुखी है, ये अरुंधति द बिग वन, ये सीताराम जी की पोती। She's looking at you. Hey, Subhu, इसे कहते हैं घर? वो ठीक है, लेकिन बैठना कहाँ है? मैं बताती हूँ ना। वेट, चला। या। ट्रंक सोफा, सुपर। तुम्हारे पापा कृष्णमूर्ति जी हैं? वो गुजर गए? मम्मी पापा दोनों ही गुजर चुके हैं। सब्जी लाते वक्त एक कार ने उन्हें ठोकर मार दी, ऑन द स्पॉट गुजर गए। तब से मैं अकेले ही रहती हूँ। हे, चाय लोगे या कॉफी? मुझे कॉफी, चाय चलेगी। हे, मैं भी चाय पीती हूँ, कॉफी तो बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, मुझे भी चाय ही दे दो। हे, गुड, नाइस। जाती क्यों नहीं, हमें बनानी पड़ेगी। आनंदी हम दोनों को भी चाय चाहिए। एक्चुअली घर में कुछ है नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए पूछा था। हे, पानी पूरी खाओगे क्या? नीचे एक अंकल है, बहुत अच्छा बनाते हैं, चलो कम। ओए, क्या हुआ? नहीं तो भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछा था। चल यार। एक्चुअली मेरे बिजनेस में एक प्रॉब्लम आ चुका है, तो उसके बारे में बात करनी। श्रेया, हाय। आपको ही ढूंढ रही थी। इतने दिनों से खेले नहीं आई। 23 को मेरी शादी है, आपको पक्का आना होगा। तुम्हारी शादी हो रही है? क्या हुआ दीदी? सबकी शादी हो रही है, मैं ही अकेली हूँ। क्या दीदी, आपको शादी कितनी जल्दी क्यों है बोलो? तो पर तुम्हें क्या इतनी जल्दी है? आ रही हूँ मैं। क्या हुआ, बैठ क्यों गए? पानी पूरी नहीं खानी? ए, ये लो। तुम भी लो। मुझे पानी नहीं, सिर्फ पूरी दे दो। खाली पूरी क्या करेगा? अरे पानी के बिना पानी पूरी कैसे खाओगे? कम। ये तो हमेशा ऐसे ही नौटंकी करता है, इसके बारे में बताने में टाइम लगेगा, बाद में बताता हूँ। बैठो। या। हे, कैसी है? सुपर, बहुत अच्छा है, बट पानी पूरी खाना है तो कोलकाता में। वाह, कोलकाता। गिरिजा की शादी के लिए तिरुपति गई थी, उसके अलावा कहीं नहीं, आज तक स्टेट भी पार नहीं किया मैंने। एक बात बोलूं, तुम्हारी लाइफ है, जैसे जीना वैसे जियो। सही कहा, कई बार तो सोचकर डर लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और ये लाइफ कितनी छोटी है ना। हे, तुम भी मेरी जैसी हो। एक काम करते हैं, तुम कोलकाता चलो, वहाँ तुम्हें बेस्ट पानी पूरी खिलाऊंगा। डील। डील। कब जाना है? दूध काशी जाने के वक्त कोलकाता भी रास्ते में आता है, हम वहाँ जाएंगे, माँ से भी मिल सकते हैं। एक्चुअली मेरा फ्रेंड पवन। एक्चुअली मैं बिजनेस के बारे में बात करने आया था।
ओ, तो सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आए थे? मैं तुम्हारे पापा के लिए आया था, वो रमैया जी की कंपनी में काम करते थे। हाँ, उनके नाम पर जो शेयर्स हैं। ओ शेयर्स, यस, क्या हुआ? शेयर्स, ओ वो शेयर्स अब मेरे नाम पर हैं। रमैया नाम की एक कंपनी से कॉल आया था कि उन्हें चाहिए। कितना अच्छा हुआ ना, मैं तो भूल ही गई थी। अगर तुम नहीं याद दिलाते ना तो बस। नो, क्या हुआ? वो शेयर्स मुझे चाहिए, मैं खरीदूंगा। उन्होंने पूछा ना? मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा ना। कितने मिलोगे तुम? तुम चाहोगे उतने दूंगा। शह, मैं पैसों के लिए कुछ नहीं करती, जो अच्छा लगे वो करती हूँ। कैसे विलन की तरह तुमने कहा जितने चाहोगे उतने दूंगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलो मैं चलती हूँ, बाय। बाय, तुम्हें एकदम सही लड़की मिली। आनंदी जी सुनिए, एक्चुअली सॉरी, वो मेरा वो इरादा नहीं था। ये शेयर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप पर डिपेंड करता है, तो एक बार सोच लीजिए। ठीक है, कल सोचूंगी। क्या कल? आज शुक्रवार है और शनि तीसरे स्थान पर है, तो आज कोई नया काम नहीं करूंगी। अब तो कल यानी मुझे जाना है, रमान जी वेट कर रही है, मेहंदी लगवानी है। हे, तुम्हें मेहंदी लगवानी है? वो मेरे शेयर्स वो ओके, तो कल मिलती हूँ। आनंदी हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरे शेयर्स, आज घूमने का मूड था। क्या हो रहा है यार, मुझे क्या पता? बटरफ्लाई अंकल ने बुलाया है। वाओ, वेलकम टू बटरफ्लाई पार्क। अंकल अंकल अंकल, बाहर आई क्या? सॉरी बेटी, सुबह मेरे आने से पहले ही वो बाहर आ गए। फिर से मिस कर दिया, कब से ट्राई कर रही थी, बाहर आते वक्त उन्हें देखना था। बैड लक। वो वहाँ पर है ना? उनको तो अभी टाइम है, बटरफ्लाइज बाहर निकलते हुए बहुत कम ही दिखते हैं। इन 50 सालों में मैंने भी बहुत कम देखा है। इन कैटरपिलर्स का नॉन स्टॉप खाना ही एक काम होता है, उनकी बॉडी रेट से भी हजारों गुना ज्यादा वे खाते हैं। कई दिनों से इन पेड़ों को खाकर इनका नाश करने वाले कीटाणु बटरफ्लाइज का रूप लेकर वापस पेड़ों में जान डाल देते हैं, वैसे ही इंसान भी खा खा कर इस कीटाणु की तरह धरती का नाश कर रहा है। इंसान ये नहीं जानता कि उसमें भी एक तितली है। अ मैन कैन लर्न एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड From a butterfly. Free like a butterfly. सब पागल है। Such a beautiful flower. So, क्या सोचा है? Hey, मक्खी को मत मारो, वो वापस जन्म लेकर बदला लेगी। मक्खी? अच्छा ठीक है, तो हम मेरे शेयर्स की बात करें। ओह अच्छा, इस तरह के डिसीजन इतनी आसानी से नहीं ले सकते हैं। वैसे पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, पर फील होना चाहिए कि वो सही है। वही अप्रोक्सीमेटली कब आएगी? कल मिलते हैं, ठीक है? रोज एक नई जगह ले आती है, ये किसका घर है? मेरी फ्रेंड का घर है। दो मिनट रुकोगे तो क्या पैर? नानी माँ, ये मेरी सुशीला नानी है। एज के साथ साथ ग्लैमर भी बढ़ रहा है इनका। बकवास बंद कर, पुतली की तरह यहाँ खड़ी मत रहे, अंदर चल। ओके चल। तुम दोनों को क्या स्पेशली बोलना पड़ेगा? पैर नीचे रखो, ये दाढ़ी क्यों उगाई है, फैशन है? नहीं नानी माँ, ऐसी रख ली बस। पागल, इसे देखो तो, तुम्हारा फ्रेंड, इसकी तरह नहीं रह सकते नीटली। बेटा क्या करते हो, गवर्नमेंट की नौकरी है या फिर कंप्यूटर के सामने बैठकर बटन्स दबाने का काम है? नहीं, मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, आनंदी से शेयर्स के बारे में बात करने आया था। तो ये कैसे कपड़े हैं? फटे हुए भिखारियों की तरह तुम्हारे ये कपड़े देखकर तुम्हें कोई अच्छा आदमी नौकरी देगा? नौकरी नहीं मिली तो मुझे क्या नानी माँ, मैं आपके पास बिना पगार के काम कर लूंगा। मेरा काम मैं कर सकती हूँ, पहले जाके ये दाढ़ी बना के आओ। सही कहा नानी माँ। तुम चुप रहो, एकदम चुप। क्या ये सब दवाइयाँ वैसी की वैसी है? डॉक्टर ने कहा था ना टाइम पर लेनी है, पहले ही ब्लड प्रेशर है। लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, ये लो। तुम्हारी दादागिरी बहुत हो चुकी है। नानी माँ। जेम्स। खाना है? दो। फर्स्ट टैबलेट। दो। और है ना दो। मैं इन लोगों के साथ दूधकाशी नाम की जगह पर जा रहा हूँ। कौन है वो, तुम्हारी नानी माँ या दादी माँ? दोनों भी नहीं है, हफ्ते में एक दिन मैं इनके पास आ जाती हूँ।
घर के सारे काम कर लेती हूँ। ओ मतलब ओल्ड एज होम के हेल्पर की तरह। मुझे भगवान ने नानी नहीं दिए ना, इसलिए मैंने इन्हें ढूंढ लिया। तुम ऐसे कुछ भी करती रहती हो क्या? कुछ भी तो नहीं, पर जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। आज उस पागल से सिग्नेचर करवा के रहूंगा। रोज अगर तुम ऐसे शेड शेड्स करते रहोगे ना तो एक दिन झाड़ पर चढ़कर बैठ जाएगी। क्या कर रहे हो? पेड़ काट रहा हूं मैडम। पहले वो कुल्हाड़ी मुझे दो। क्या कर रही है? कहा ना मुझे दो, लाओ यहां। मैडम दे दीजिए ना, पेड़ काटना है नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पेड़ काटना गलत बात है, पता है ना? मैडम बारिश में तो काटना पड़ता है ना, और फिर गर्मी में पानी दोगे तो ठीक हो जाएगा। आज मत पूछना, मूड बहुत खराब है। लो आज ही करवाऊंगा। हाथ में कुल्हाड़ी भी है, कल आते हैं। चल चलो। नंदी 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 कहाँ चली गई थी? सब खत्म हो गया। ए, क्या हुआ? मुझे बिना बताए चली गई वो। कभी कभी उदास रहती थी पर एक शब्द कहे बिना चली गई। कौन? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी, कभी नहीं सोचा था। Such a talented fish. I miss you. ऋषि। चंद्रमुखी, हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था बट पर मुझे देखते लगा था कि तुम एक अच्छी स्विमर हो। बहुत अच्छी फिश थी। ए अब चंद्रमुखी, चंद्रमुखी इट्स अ गोल्ड फिश, इट्स आल्सो कॉल्ड कैरेशियस सरोटिस सरोटिस व्हिच इज अ फ्रेश वाटर फिश फ्रॉम द फैमिली सिप्निडे ऑफ वाटर स्पिसिनिफॉर्म। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फिश टू बी डोमेस्टिकेटेड। इट इज वन ऑफ द कॉमनली केप्ट एक्वेरियम फिश। दिस फिश इज रियली अ ब्यूटीफुल फिश एंड द फीचर्स आर अब गूगल से विकिपीडिया रुलाएगा क्या? ओके इतने दिनों बाद रिया ने वापस कॉल किया है। सेट है, सब कुछ सेट है। श्योर ना? क्या रिया? ऑफ कोर्स श्योर है यार, 100% श्योर है। ऑलरेडी आनंदी से बात करके मैंने ठीक है। ओके ओके लॉक कर दूं ना? कंप्यूटर जी ए रिया को लॉक कर दिया जाए। लगता है वहां पर एक्सीडेंट हुआ है, ऑटो पलटा हुआ है। ए रोकना, रोक 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 रोक। अरे क्या कर रहा है वहां पर? लोग ना देख लेंगे। ए ऋषि, अरे सुन तो ऋषि, क्या कर रहा है? अरे ऋषि पीछे हटो भाई। देखो अरे पानी डालो इस पर, बेहोश हो गई है। एम्बुलेंस को बुलाया क्या? नहीं सर। उठ लो बेटा। एम्बुलेंस को बुलाया क्या? नहीं। किसी ने बुलाया एम्बुलेंस को? पता नहीं सर। तुम सब बस तमाशा देखो, इस सुबह हॉस्पिटल लेके चलते हैं। एम्बुलेंस को फोन किया है ना, वो लोग देख लेंगे। ऐसे सोचेंगे तो कैसे चलेगा यार? इसको सर पे बहुत गहरी चोट लगी है यार, बहुत खून बह रहा है। दो 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 वन मिनट। हे ये क्या कर रहे हो? लेट्स गो। सुबह चलो जल्दी चलो। चलो यार जल्दी चलो, टाइम वेस्ट करो। चलो ना सुबह, चलो यार। अरे चला रहा ना यार, और कितना फास्ट चलाऊं? उसे ओवरटेक करो ना। हट जाओ, हट जाओ रास्ते से। अकल नहीं है सुबह? गाड़ी तेज चला यार। ए गाड़ी को रास्ता दो, हटो। चलाओ यार, चला रहा हूं यार, थोड़ी और तेज चलाओ। मुनि 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 बस थोड़ी देर और, बस हम पहुंचने वाले, थोड़ा तेज चला। डॉक्टर, डॉक्टर इमरजेंसी है। यस कम दिस वे। हेलो रिया, वो कुछ नहीं, हाँ बस आ रहा हूँ। सुबह से हम लोगों को तो भूखे प्यासे इस लकड़ी पर बिठा कर रखा ही है, ऊपर से इस लड़की को भी नंगे बिठाया है। शिट। हाय। हे। यू आर लुकिंग अमेजिंग रिया। मुझे तुम क्यों पसंद आए थे जानते हो सुबू? बिकॉज़ यू वर द बेस्ट। मैंने सोचा था मैं वोग मैगजीन के कवर पर रहूंगी तो तुम फोक मैगजीन के कवर पर। वी वुड मेक द ड्रीम कपल। सब हमारे बारे में बात करते, सब हमारी तरह रहने की विश करते। हे रिलैक्स रिया,
I'm working on it. Shares का मामला भी almost solve हो ही गया है. It's actually very simple, Subbu. मैं 2 weeks के लिए US जा रही हूँ. तब तक रमैया डील क्रैक हो गई तो ठीक है. मैम, शॉर्ट रेडी मैम. नहीं तो. ऋषि, ऋषि, ऋषि क्या कर रहा है और घर का क्या हाल बना दिया है? बहुत लेट हो गया यार. क्या हुआ? वो लड़की मर चुकी है. छोटी सी बच्ची थी यार, 10 साल की थी. क्या देखा उसने अपनी जिंदगी में? मेरे हाथों में. ए, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? इट्स ओके. नो, इट्स नॉट ओके. हाउ द हेल इज इट ओके? डॉक्टर ने क्या कहा पता है? अगर 10 मिनट पहले ले आते तो बच जाती. इतने लोग खड़े थे मगर किसी ने मदद नहीं की. लड़की वहां पर तड़प रही थी, सब जानवरों की तरह देख रहे थे. जानवरों में भी थोड़ी सी फीलिंग्स होती है. लाशों की तरह खड़े थे. तुमने कहा कि वो लोग देख लेंगे, ऐसे उन लोगों ने सोचा कि कोई और देख लेगा. 10 मिनट. ए, ओवर रिएक्ट मत कर यार, तू पागल हो गया. पड़ेगा जिंदा होना, रिएक्ट करना पड़ेगा. हम सबने मिलकर मार डाला उसे. ऐसे नहीं चलेगा. चलो चलो मेरे साथ, ये सही नहीं है. ए ऋषि, मेरी बात सुन, यहीं रुक जा. मैं तेरे लिए एक अच्छा जॉब ढूंढूंगा, यहीं सेटल हो जा. वो दूध काशी ये सब कहकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर. ये जिंदगी नहीं है, ये जन्म, ये स्वार्थ. तुम्हें कैसे समझाओ, समझ नहीं आ रहा. ये जिंदगी नहीं है यार. जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, जिंदगी में और भी बहुत कुछ है. चल, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा. ए, हर रोज हजारों लोग मरते हैं. अगर ऐसा सोचकर रोते बैठेंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के. रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तू मुझे बोल रहा है? एक जॉब भी ढंग से किया तूने. मेरी लाइफ है यार, मेरी मर्जी. कम से कम मैं जी तो रहा हूं. तुम्हारी तरह प्रमोशन के नाम पर, स्टेटस के नाम पर, बॉस की बेटी से सगाई करके अपनी जिंदगी गिरवी नहीं रखी मैंने. ये प्रमोशन नहीं, प्रोस्टिट्यूशन है. बकवास बंद कर. कौन है बे तू? तू है कौन मेरी लाइफ के बारे में बोलने वाला? बचपन का दोस्त समझकर झेल रहा हूं तुझे. मां बाप को छोड़कर गांव गांव भटक रहा है. इस मामले में मत बोल. मैं किसी भी मामले में बोलूंगा, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी. किसी दूसरे के घर पे बेकार नहीं बैठा हूं मैं. फिर भी तू है कौन मुझे बोलने वाला? मैं फिर से बोल रहा हूं, एम्बिशन, स्टेटस, मनी, यही है दुनिया. अगर यही दुनिया है, यही इसका दस्तूर है, तो नहीं जीना मुझे इस दुनिया में. तो जा यहां से. हेलो ऋषि, 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 ये क्या कर रहा है तू? पूरे स्कूल में तुझे ढूंढ रहा था मैं. सुबू, देख यार, ये बारिश में गिरने वाला था, अब सेफ है. वो तो ठीक है, पर तूने साइंस प्रोजेक्ट क्यों नहीं सबमिट किया? टीचर ने कहा है कि आज लास्ट डे है प्रोजेक्ट सबमिट करने का. कहाँ है तेरा प्रोजेक्ट? ये क्या प्रोजेक्ट फाड़ कर तूने ऊपर रख दिया? 20 मार्क्स थे यार. ए, इसका क्या यार, फिर से लिख लूंगा. पता नहीं क्या क्या करता है. ए, ये तेरा है? हाँ, मेरा ही है. तेरा कंपास बॉक्स तो कितना कॉस्टली और ऑसम है यार. मेरा वाला तो बोरिंग डब्बा है. तुझे अच्छा लगा तो ले ले. What? ए, ये कम से कम 200 रुपीज का होगा और मेरा वाला सिर्फ 20 रुपीज का है. वैसे अच्छी डील है ये. फ्रेंडशिप पे कौन सी डील यार? पक्का ना, एक बार ले लूंगा फिर नो रिटर्न्स. तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार.
ये सबू आ जाओ, आज खाना मैं बनाऊंगा, पता क्या खाएगा? पैक बीन्स, पैनकेक्स, हैश ब्राउन्स या ऑमलेट। रात का नशा उतरा, चुपचाप घर आ जा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रमाकांत बोल रहा हूँ। श्याम नगर के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, स्पॉट डेथ। पूरी रात बॉडी वहीं पर पड़ी थी, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फोन चेक किया तो लास्ट डायल नंबर यही था। हेलो हेलो, बॉडी जेजे हॉस्पिटल में है, और डिटेल्स चाहिए तो कॉल बैक कीजिए। हेलो, हेलो, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। चार साल से? बचपन से उसका जिद्दीपन, तू तो जानता है ना, वो अपने मर्जी के मुताबिक रहता था। उसके पापा से उसका झगड़ा क्या हुआ और उन्होंने गुस्से में वापस अपनी शक्ल मत दिखाना कहा, बस हमेशा के लिए अपना चेहरा दिखाए बिना चला गया। एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसकी हंसी सुनना चाहती हूँ। मेरा बच्चा, बहुत बड़ा दिल था उसका, अगर किसी को भी तकलीफ हो तो मदद करता था। सोना था मेरा बेटा ऋषि, हमेशा डर लगता था कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा वो। एटलीस्ट तू उसके साथ था। लास्ट कॉल, तुझे क्या होगा उसमें। रोइए मत माँ जी, संभाल अपने आपको, चलिए। हेलो, हाँ रिया, सारे काम हो चुके हैं, कल आता हूँ। आंटी, सो सॉरी, ऋषि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई वाज शॉक्ड टू हियर द न्यूज। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सबो, ये क्या हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम यहाँ कैसे आ गई, ये क्या है? ये ऋषि ने मेरे पास रखा था। हाँ तो? मैं ऋषि से क्यों मिली थी सुब्बू, उसने मुझे दूधकाशी के बारे में क्यों बताया था? अपनी लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मेरे पास रखकर जाने का क्या मतलब हो सकता है? इट्स डेस्टिनी, हमें इस जर्नी को पूरी करनी होगी। पागल की तरह मत बोलो, अब ये कुछ भी नहीं है, डेस्टिनी नहीं है, जर्नी नहीं है, दूधकाशी नहीं है, असल में ऋषि ऋषि ही नहीं है। हाय अंकल, आई एम सो सॉरी।
इट्स ओके। मेरा नाम आनंदी है, ऋषि के बेस्ट फ्रेंड हूँ। एक्चुअली हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं। सुबू यहाँ ना। सुबू तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ बिल्कुल, ऋषि जैसे नहीं है, शायद आंटी जैसा होगा वो। अंकल आपसे एक बात पूछनी थी, आप दूधकाशी के बारे में क्या जानते हैं? एक्चुअली अंकल ऋषि ने बताया होगा ना आपको, हिमालय की लेक, उसका रास्ता ऋषि को मिल गया था। अब मैं और सुबह वहाँ उसे लेकर जाना चाहते हैं। What are you talking about? हमें ऋषि की अस्थियाँ चाहिए अंकल, हम उसे दूधकाशी लेकर जाएंगे। Get out. अंकल लेकिन Get out. पूरी जिंदगी उसने इसी पागलपन में बर्बाद कर दी, इसी वजह से उसकी मौत भी हो गई। अब तुम वापस शुरू मत करना। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुनिए। Not another word. Get out before I call the security. Sorry. Out. मेरी बात तो सुनिए अंकल। ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? अरे तुम पागल हो गया? अस्थियां तुम ऐसे मांग रही थी जैसे कोई एड्रेस मांगता हो। पता है तुम्हें शेयर्स के नाम पर कल परसों बोलकर क्यों घुमा रही थी मैं? मेरे साथ कोई भी ज्यादा वक्त नहीं रहता, सब छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन जब बार में थी तो तुम लोग आकर मुझसे मिले, मुझसे फ्रेंडशिप की, मुझे अपने ग्रुप में लिया। आई फेल सो हैप्पी। पता है शेयर्स दे दूंगी तो तुम लोग वापस मुझे छोड़कर चले जाओगे ये सोचती थी। ऋषि तो चला गया, अब वो शेयर्स भी दे देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ऋषि की अस्थियों को दूध काशी पहुंचाना ही होगा। ये तुम क्या बात कर रही हो, हम अपने सारे के सारे काम छोड़कर वहाँ? इट्स अ साइन सुब्बू, ऋषि वांटेड अस टू डू दिस, मेरी हेल्प करो प्लीज। अस्थियाँ कहाँ हैं? ये बूस्ट की बॉटल क्यों दी है और मेरा यहाँ इस तरह आने का मतलब क्या है? वहाँ टेबल के नीचे होगी। यहाँ तो नहीं है। वो नहीं मिलेंगी, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। चुप रहो तुम, चलो यहाँ आओ मेरे साथ। मैं जानती थी तुम लोग आओगी, हमेशा तुम्हें दोस्त से ज्यादा भाई माना है उसने। इसके लिए तुम लोग इतना कुछ कर रहे हो, तुम जैसे दोस्त भाग्य से मिलते हैं, उसकी इच्छा भी यही होगी। आंटी ये क्या है? बूस्ट, अस्थियां, इसमें आनंदी, दूधकशी। यही सही है, उसका फेवरेट भी है। ये लो, मेरे ऋषि को दूधकशी लेकर जाओ। गंगा लगता है एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है? कौन सा एंगल से एयरपोर्ट लग रहा है? भंगार वाले को ये प्लेन दे देंगे ना तो 10 रुपया भी नहीं देगा हमें। पवन 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 हो गया ना, अब बस अब चले यहाँ से। ये ऋषि के सारे प्लान्स ऐसे ही होते हैं। ऋषि आनंदी सुबू पवन 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 Thank God, but who are you? हमारे फ्रेंड ऋषि ने तुम्हारा नाम दूधकाशी के मैप पर लिखा था। ओ ऋषि। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम से, पहले मैटर सुन लो। ये ऋषि है। ऋषि? This is Boost. ये अस्थिया है, ऋषि मर चुका है। Oh God, I am so sorry. सुबू, आनंदी, good, come. अब हम इसे दूधकाशी लेकर जाना चाहते हैं। क्या कह रही हो, बाहर मेरी कार इंतजार कर रही है, मुझे जाना है। I'll take you. This is my friend's plane and I am only pilot. पायलट नहीं, गधे चराने वाला लगता है। और उसके लिए पैसे देने। और क्या क्या चाहिए आपको? Nothing, only money. चलो ना। अरे मेरी परेशानी को समझा करो, शहर में रामिया कंपनी को एक्वायर नहीं किया तो मेरी शादी, मेरा करियर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे वो पेपर्स लेकर घूमते रहते हो ना, वो क्या है? अरे आनंदी वो तो काम के पेपर्स हैं, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दे दूंगा, तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगा। देखो प्लीज मेरा काम कर दो। सुब्बू ऋषि कितनी जगह घूम चुका होगा, दूधकाशी भी गया होगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ जाना चाहता था। कितनी बार उसने मुझे बताया था तुम्हारे आने पर ही इस ट्रिप का मतलब होगा, ऋषि की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर तुम्हारी लास्ट विश किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाना होता ना तो ऋषि जरूर जाता। सुबह तुम चलोगे ना तो मैं तुम्हें वो शेयर्स फ्री में दे दूंगी।
डील? यस। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? ओनली $100 पर डे। व्हाट हैपेंड? मेरा पर्स। मनी? सबू, शो मी। ओह, नाइस वॉच। ये वॉच बेचूंगा तो पूरा लंदन घूम के आऊंगा, समझे? तो फिर लंदन चले जाओ। अरे सुनो सुपू, देता हूँ। गुड, वेरी गुड, आई लव योर डिसीजन। आ जाओ। पुश, ये पुश क्यों बोल रहा है? शेयरिंग ऑटो है क्या? इट हैज एक्चुअली स्टार्टिंग प्रॉब्लम, सो यू हैव टू पुश। पुश पुश मोर पुश आनंदी पुश। सांड की तरह आराम से अंदर बैठा है और हमको पुश बोल रहा है। स्टार्ट। चलो कम कम, चलो 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 जल्दी आ जाओ, आराम से दो दो मुझे आराम से। अरे मुझे आने दो, अभी मर जाता। कितना एक्साइटिंग है ना। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। यहाँ सीट बेल्ट नहीं है। ओनली फॉर फॉर्मेलिटी। अरे असल में मैं यहाँ क्यों आया और इसमें क्यों बैठा? दिस इज क्रेजी, मैं उतर जाऊंगा। पवन सर प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। डायमंड? काशी इज वेरी होली लेक। पहले यहाँ पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगता था, लेकिन तुम लोग लकी हो जो तुम्हें मेरा प्लेन मिल गया। क्या कहा, लकी? पता है मैं पहली बार प्लेन में बैठी हूँ, लेकिन मेरा शायद आखिरी बार होगा। गेट रेडी फॉर लैंडिंग। ओके। लैंडिंग? लेकिन एयरपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? एयरपोर्ट? यहाँ लैंडिंग करेंगे तो लैंडिंग नहीं, क्रैश बोला जाएगा। अरे वेलकम टू हिमालया। नाउ गेट आउट, टेक केयर, टेक केयर बोथ ऑफ यू। अरे बाप रे, कम ऑन, लगता है इससे पहले सर्कस में काम करता था। आनंदी, हाँ ऐसे ही खड़ी रहो, वो बोतल थोड़ा ऊपर पकड़ो। Nice pose. Very good. Fantastic. बहुत अच्छा है। दूधकाशी सच में बहुत अच्छा है। क्या कहा? अरे यही कि दूधकाशी सच में बहुत अच्छा है। ठंडा है लेकिन चलो चलते हैं। It's not दूधकाशी। दूधकाशी यहाँ से बहुत दूर है। तो वहीं उतरना था, यहाँ क्यों उतरा? वहाँ प्लेन नहीं जाता, चल के जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? 5 days, 10 days, more than 15 days। मेरी वॉच मुझे दे दो। Okay, relax. मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, बट यू हैव टू पे मी $100 पर डे। कोई जरूरत नहीं है। हाँ। मेरे पास GPS है, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे नाइस मोबाइल। नहीं दूंगा। तुम्हारे पास मैप है? हाँ है। इस पे भरोसा करने से अच्छा गूगल पे करते हैं। चलो तुम्हें ले चलता हूँ। लेकिन हमें Hello, तो कुछ नहीं पता। अरे तुम आओ ना। That way, आओ। This way. हाँ मैं जानता हूँ। Funny fellow. Welcome to Google Maps. Keep going straight. After 200 meters. अरे ये रुक क्यों गया? हेलो, टेक अ राइट। आ गया। गो स्ट्राइट, कीप गोइंग ऑन। और भी जाना है? एंड देन टेक अ राइट, टेक अ राइट, टेक अ राइट, कीप क्लाइंबिंग टिल यू रीच फ्लैट ग्राउंड। कब तक चलेंगे सुपू? पवन था ना यार, उसकी जरूरत नहीं है। Now, keep going straight for 100 meters. कहाँ जाए देखो? मार दोगी? मार दोगी हमें, बोलो। Now, go straight. सुपू, भूख लगी है। तुम्हारे बैग में कुछ है क्या? भूख लगी है तो मुझे खा लो। अरे चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? पवन लेकर जा रहा था, लेकिन तुम तो गूगल मैप पे भरोसा करके यहाँ लेकर आ गए। नो नो, क्या हुआ? बैटरी खत्म हो चुकी है।
तुम्हें भूतों से तो डर नहीं लगता ना? पहाड़ों पर बहुत ज्यादा होते हैं माउंटेन घोस्ट्स। ये टॉपिक इतना जरूरी है? इतना मत डरो सुब्बू, सारे भूत एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। किसने बताया है? नानी माँ ने बताया था। अच्छा, वो देखो एक आ भी रहा है। अच्छा है या बुरा? कम कम, हेड डाउन हेड डाउन। बाहर बहुत ही ज्यादा सर्दी है। गुड नाइट, बाय। सविता, कॉफी लाओ। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है? All is good, sleep well। खुद ही देख लो। सुबह ये देखो, ये तो पर्स है, क्या करूं इसका? दादाजी के बचे हुए पैसे, सब कुछ ऋषि के प्लान के हिसाब से हो रहा है और ऋषि ही हमें दूध काशी लेकर जा रहा है। हे, अब पवन को देने के लिए भी पैसे हैं हमारे पास। ओके, नाउ पवन विल टेक यू टू दूध काशी। ओके, हे, कम ऑन, गुड, वेरी गुड वीर। तुम so nice, looking so pretty. Come, thank you. Sit. Where is Subbu? Up the gandhi. Oh, he's inside. मैं ready हूँ. Okay. आप ready हो? हैं? ये कर क्या रहा है? Looking so funny. Now, Subbu Anandi. Here we are going to Dudh Kashi. कितना खूबसूरत नजारा है। लुक आनंदी। हेलो, हाँ रिया, हाँ सिग्नल ठीक नहीं है। कैन यू हियर मी? हाँ मिल गया मिल गया, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ ऊपर आ रहा हूँ। हाँ आप बताओ। बस दो तीन दिनों की बात है। बस पक्का? हाँ हाँ एकदम पक्का। हेलो हेलो, ये कट कैसे हो गया? व्हाट अ फनी फेलो। उस ऋषि को अंदर रख दो वरना इसे भूत समझकर पी जाएगा। सुबु आनंदी, वेलकम टू द माउंटेन लग्जरी होटल। माउंटेन तो है, लग्जरी कहाँ है? कम इनसाइड। क्या क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, कम ऑन। आजा ब्यूटीफुल, वापस किसी जानवर के पास मत चुला देना। दिस इज योर रूम, गेट इन। रूम बोला था, स्टोर रूम जैसा है। ये सब कौन है? योर रूममेट्स। मैं अपनी लाइफ में रूम के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा लेकिन टॉयलेट में मुझे एकदम क्लीन चाहिए। चलो दिखाओ मुझे।
वेलकम टू द माउंटेन टॉयलेट। ये टॉयलेट है? टिश्यू पेपर कहाँ है? यूज लीव। मैं यूज नहीं करूंगा। एक महीना हुआ मुझे आए, ये सब मेरे लिए नया एक्सपीरियंस। ओके। हे सुबह सुबह, इनका नाम रॉबर्ट है, एक महीने से ये इसी एरिया में कैंप पर हैं। नमस्ते, आपके फ्रेंड ऋषि के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। आई अप्रिशिएट यू, आप ये जो काम उसके लिए कर रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने कुछ प्लान नहीं किया था, इन्हें ये भी नहीं पता कि वापस अपने देश कब लौटेंगे। जस्ट वन डे एट अ टाइम, बिल्कुल ऋषि जैसे है ना ये। हाँ, ऋषि जैसे ही है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं, शहर में रहने के लिए पैसे नहीं है तो बस इसी तरह पहाड़ों में घूम रहे हैं, है कि नहीं? सुबु, मैंने कुछ गलत कहा क्या? I'm sorry. Yes, you should be sorry. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वर्क, एम्बिशन, ये ना हो तो जिंदगी नहीं। सब ऐसे ही रहेंगे दुनिया में तो क्या होगा दुनिया का? You're just wasting your life. Well, it was a pleasure meeting both of you. And तुम्हारी जर्नी के लिए all the best. अगर अनजाने में मैंने कुछ कह दिया हो तो आई एम सॉरी, टेक केयर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रॉबर्ट से इतनी रूडली क्यों बात की तुमने? रॉबर्ट कौन है? हम यहाँ क्यों हैं? कम से कम गांव का नाम बताने तो मुंह नहीं खोल सकते। जस्ट वन वीक बैक मेरी लाइफ पूरी परफेक्ट थी, कंपनी का सीईओ बन रहा था, रिया से एंगेजमेंट हो गई थी, घर कार सब कुछ मुझे मिल रहा था। लेकिन अब वो पवन है, उसका घोड़ा है और उस घोड़े का गोबर है। हमेशा खाने में मोमोज देकर हमें मार देंगे। उस पवन की बात सुनकर असल में वो जगह है या नहीं है जाने बिना जा रहे हैं। अरे सब पागल है, हमने भी विश्वास कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से। ए लिसन लिसन, बचपन में तुम कैसे थे? हां मतलब तब तो ये बिजनेस प्रॉब्लम्स नहीं थी ना? नाइन्थ क्लास में ही सॉफ्टवेयर में फ्यूचर नहीं है ये डिसाइड कर लिया था, और ये प्रेडिक्ट किया था कि एमबीए की वैल्यू है, तो उस हिसाब से एडवांस में सोचकर आज मैं इस पोजीशन पर हूं, समझी? नाइन्थ क्लास में इतने इंटेलिजेंट, तो फिर उस उम्र के बच्चे जो करते थे क्रिकेट फुटबॉल वो सब? स्पोर्ट्स में टैलेंट 10 साल तक ही दिखा सकते हैं, फ्यूचर में बिना स्कोप वाले खेल प्रैक्टिकली खेलना सही नहीं है सोचकर छोड़ दिया। गॉड, और लड़कियां, क्रशेस, लव स्टोरीज? यस यस, बहुत सारे हैं। हे थैंक गॉड, टेल मी। लेकिन वो तो बॉडी के हार्मोन्स से रिलीज होने वाली केमिकल की फीलिंग्स होती हैं। हे तो रिया के लिए जो फीलिंग्स है वो भी हार्मोन्स ही है ना? रिया इज माय फ्यूचर, वो मेरी प्रैक्टिकल चॉइस है। एमबीए में स्वॉट नाम का एक फॉर्मूला है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। मुझे कोई भी डिसीजन लेना हो तो उससे मैं एक स्कोर बनाता हूं। रिया का और मेरा कितना स्कोर आया जानती हो? कितना? 98%। सुपर्ब है ना? वाओ, हाउ रोमांटिक। थैंक यू। स्वॉट एनालिसिस, ये पागल है। गॉड, पहाड़ों की खूबसूरती ध्यान से देखो। वो है क्या दूधकाशी? नहीं 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 नहीं, उनके पीछे पीछे, वहाँ से भी काफी दूर है। अच्छा, वहाँ है दूधकाशी? नो 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 नो, देयर इज अ लेक। ये कुछ जानता भी है या ऐसे ही आ गए इसके साथ? नो 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 नो, तुम्हें नहीं पता, पिछले साल साउथ इंडिया से एक आदमी आया था, मैं उसे बाबा जी के पास ले गया। वांट टू सी? या। ओके। रजनीकांत है। लाओ दिखा। मैंने पहले ही कहा था ये फेकू चंद है, ये पक्का फोटोशॉप से बनाया है। यू थिंक आई एम स्टूपिड? क्या हुआ, रुक क्यों गए? तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। क्या हुआ? यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है। सच बताओ, पानी से डर रहे हो ना? तुम जाओ ना, अपना काम करो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ही हुआ ना, फोन नहीं रहता है तो कितना टाइम बचता है। तो अब क्या करें? ये देखो देखो, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस अराउंड अस। ये वापस वही है? हाँ सुबू, मोमोस है, नहीं चाहिए मुझे, अच्छे होते हैं। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। रहो ऐसी। हाय हाय, टॉयलेट कहाँ है? आउटसाइड। योर प्लेस वेरी पीसफुल, काम, आई लाइक इट, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओह या, थैंक यू। यस्टरडे वन टाइगर अटैक एंड किल अ स्मॉल यैक। ओह हे, टॉयलेट जा रहे थे ना तुम? अभी मुझे नहीं लगी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ए, उस टाइगर का नाम क्या है? हैं?
टाइगर ने याक को खाया, ऐसे बता रही थी जैसे मोमोज खाए हो। बाहर आओ। सांसें रुक गई थी, वापस ऐसा मत करना। बाहर देखो कितना ब्यूटीफुल है। बाहर शेर भी है जानती हो। उस टाइगर ने कल याक को खाया इसलिए अब उसे भूख नहीं लगेगी। उसने बताया तुम्हें? नहीं बाबा, सच में गांव वालों ने उसे भगा दिया। कम मरने के बाद लोग आसमान के तारे बन जाते हैं, पता है? किसने बताया ये? नानी माँ ने बताया। ऋषि भी स्टार बन गया होगा ना। ए, वो देखो, वाह वाह वाह, वो देखो। भगवान भी ऋषि जैसे लोगों को इतनी जल्दी क्यों बुला लेते हैं? सुबू, ये तुम हो ना? बचपन में। और ये कौन है? दिव्या, मेरा पहला प्यार। क्लास में हमेशा डीडीएलजे के गाने गाया करता था, बॉलीवुड रोमांस, ओल्ड ड्रामा। ओह, बाद में क्या हुआ? होना क्या है, फर्स्ट लव, स्कूल का प्यार कभी सक्सेस होता है क्या? बस वही हुआ। आज तक इस लड़की की फोटो अपने पास में रखी है, मतलब आई एम श्योर इट मींस समथिंग। शेर को तो भगा दिया, बोली थी ना तुम। नानी माँ को कौन सी भेजूं? कोई भी भेज दो। तुम किसी को नहीं भेजोगे? एक कॉस्टली कार्ड देना। सबे की रेट है। एक्चुअली नानी माँ को ये पसंद आएगा। हाय रिया, प्लांट पेड टू बी बैक। रिया माय फ्यूचर। कहाँ से आई हो? हैदराबाद, जानते हो? जानते हो ना? ओ, फाइव स्टार पवन कल्याण। ट्रेकिंग ऑन ए रोड? हाँ, ट्रेकिंग ट्रेकिंग। हेलीकॉप्टर है ना, फ्लाई? हेलीकॉप्टर है? आनंदी, आनंदी आ जाओ, इसके साथ फोटो खींचते हैं। गुड न्यूज, गुड न्यूज। अच्छा, कौन सा महीना है? अच्छी वो नहीं, एवरेस्ट तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर है, वो बोझा उठाने की जरूरत नहीं है और इसकी बकवास भी नहीं सुनेंगे। नो हेलीकॉप्टर। अरे पैसों के बारे में मत सोचो, मैं मैनेज कर दूंगा। आनंदी, 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 सुनो तो। आनंदी, मैं वापस लौटने नहीं बोल रहा हूँ, इन पत्थर पहाड़ों पर चलने से बच जाएंगे ये कह रहा हूँ। सोचो हमारा टाइम कितना बचेगा। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना, ऋषि होता तो कभी शॉर्टकट से नहीं जाता। तिरुपति जाने के लिए सीढ़ी चढ़ना जरूरी नहीं है, कार से भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन सीढ़ी से जाने से ही मतलब बनता है। ठीक है ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये जरा देना तो। अब बोलो चलोगी या नहीं? सुबू, मुझे दे दो। दे दो प्लीज। जाएंगे बोला तो तुमने, तो यहाँ तक आ गए। अब सुबू, प्लीज डोंट प्ले। अब तो जा भी रहे ना, हर बात पर फिटिंग लगाना जरूरी है क्या? नहीं सुबू, मुझे दे दो प्लीज। दे दूँ? मैं बोल रही हूँ कि बच्चे, अगर हेलीकॉप्टर के लिए हाँ कहूँगी तो ही दूंगा। चलेगा सुबू? रुको, रुक जाओ सुबू, सुबू प्लीज। मैं नहीं रुकूंगा। अरे अरे, आनंदी, 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 मर गया, 22,000 गए खाई में।
हेल्प! मुझे बचा लो भगवान, अगर बच गया तो मंदिर में 50 लोगों को अन्नदान करूंगा। अच्छा 100 लोगों को। खुश है ना? दूध काशी जाने से मैं कौन हूं पता चलेगा। रुक जा, आ रहा हूं तेरे पास, वहीं रुकना। Hey, come on! Who am I? The teachings of Bhagwan Shri Raman Maharshi. Is this your wife? Yeah. She's Mary. My wife. Meri business partner. Meri sab kuch. Business partner? Matlab kya karte hain aap? I mean, what do you guys do? YouTube Technologies. YouTube Technology? Oh, yeah. You work there? No. Wo meri hi company hai. What? Multi-million dollar company? वॉल शीट में भी लिस्टेड है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई मीन व्हाट यू गाइस डूइंग हियर? कम उम्र में ही कंपनी स्टार्ट की थी। बिजनेस में हमेशा आगे रहना चाहता था। तभी मैंने मैरी से बोला कि 40 इयर्स में रिटायर्ड होकर पूरी दुनिया घूमेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन जब हम 40 इयर्स के हुए तो उस समय ज्यादा क्लाइंट्स और ज्यादा कमाने के चांसेस भी बन चुके थे। ऑफकोर्स ऐसा होता ही है। देखते देखते 50 साल के हो गए। रिटायरमेंट और 5 साल बढ़ाना चाहता था। एक्चुअली मैं भी आपके जैसा ही हूँ, जल्दी किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होता। सो यू एंड योर वाइफ ऐसे रिटायर होकर पूरी दुनिया घूमने का प्लान बनाया। सो यू गाइज आर ऑन अ ट्रिप टुगेदर। पिछले साल ही मैरी की मौत हो गई। वॉट? जब तक मेरे पास टाइम था कि उसके साथ दुनिया घूम सकूं, मैं डील ही करता गया। कहना यह चाहता हूं कि जिस काम के लिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अवॉइड करता रहा, आज वो मेरे साथ नहीं है। सिर्फ मैरी की यादें हैं मेरे साथ। नो पवन, कल शाम से नहीं मिल रहा है वो। डोंट पैनिक आनंदी। हे, योर फ्रेंड। You know one thing, तुम्हें कोई इंतजार करने वाला मिल जाए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सक्सेस है। परेशान मत हो, लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाएगा। Just go. टेंशन है? डर रही थी। मेरे लिए डर रही थी? नहीं, ऋषि के लिए। चले गए। ओ, तो दिखाई दे रहा है ना? मुझे साइट नहीं है। What? वो ग्लासेस पहनने से 80% लोग मुझे सीरियस समझेंगे, ये सोचकर पहनता था। ओह माय गॉड।
ये क्या कर रहे हो? क्या ये? This is the way. This way. अरे पागल, कहाँ जा रहा है? ये मैप लो, देखो इसमें. Nice map. अरे यहाँ से कहाँ जाना है? वहाँ एक पेड़ होगा, फिर राइट लेना है. लेकिन वो पेड़ कौन सा है? एक पेड़ कहाँ से ढूंढेंगे? ओ हाँ, I got an idea. वहीं तो मेरा गांव है, जहाँ एक बाबा रहते हैं. उन्हें रास्ता पता है. आ जाओ मेरे साथ. Okay. लेकिन कहाँ? This is last village before दूधकाशी. कमाल का खाना बनाती है मेरी माँ. पूरे गांव में इनके जैसा कोई खाना नहीं बनाता. अच्छा हुआ आज को स्पेशल खाने में मिलेगा, नहीं तो मोमोस खा के पक गया था. मर गया. खाओ खाओ, वेरी नाइस, बेस्ट मोमो इन द होल वर्ल्ड. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. ये कौन है जो पेड़ में बैठा है? ओम नमः शिवाय. यहाँ क्यों लाए हो? कहाँ जाना है यहाँ से? अरे बाबा बताएंगे ना. हाँ तो पूछो. बाबा डजंट टॉक. तो ये घूम के बाबा डायरेक्शन कहाँ से बताएंगे? बाबा हम बहुत दूर से आए हैं. हमारे फ्रेंड ऋषि की आखिरी इच्छा थी दूधकाशी जाने की. प्लीज हमें रास्ता बता दीजिए प्लीज. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. प्रसाद है, ले लो ले लो. ये फटाफट जैसा क्या लग रहा है? भोले बाबा का प्रसाद है. ईट ईट, इट विल गिव ऑल आंसर्स. 1 2 3. जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा. भोले बाबा की नगरी. ये प्रसाद नहीं है. ये मुल्तानी, तुझे पता है आई लव माई मदर. अब मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा. सबू, तुम ठीक हो ना? एक्चुअली मैं बहुत ठीक हूं. रामिया कंपनी की डील को पूरा करने के लिए मैंने ना जाने कितनी सारी कोशिशें की. एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है. थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए. एक्चुअली थैंक्स मुझे नहीं, ऋषि से कहो. थैंक यू ऋषि. Oh.
मर गए थे। अब मर गए? मैं भी होता तो नहीं कूदता। अब देखो एक बोतल के लिए कूद गया। बचपन में तो बहुत प्रैक्टिकल था, अब पता नहीं क्या हो गया। से मेरा खून कार में ना लगे इसके लिए एक डॉल भी लिया था। बहुत प्रैक्टिकल है। तुझे मैंने बाय नहीं बोला था ना? वो लड़की मेरी गलती थी यार। हमने क्या किया? हाँ कुछ नहीं किया, लेकिन अब हमें करना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं। हेलो, मुझे समझ में आ गया। नमस्ते, हाथ कैसे? कल रात आप रिवर साइड में मिला, आप बहुत बहुत लकी है। मेरा गार्डन का कैबेज है। क्या करूं इसका? किचन पे रखो, मैं आके सूप बनाऊंगा। Here is a medicine. Pilo, your fever will go. Welcome. ये पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे, आगे हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। I am sorry, मैं तुम्हें दूध काशी नहीं ले जा पाया। आप माँ के साथ रहिए, हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे। इतनी दूर तो ले ही आए। थैंक यू। पर आगे मौसम बहुत खराब मिलेगा, तुम्हें नहीं पता। नसीब में होगा तो पहुंच जाएंगे। लीजिए आप ये पैसे रख लीजिए। You are good funny fellow. हाथ मिलाओ। Oh funny fellow. All the best. आ जाओ आनंदी। पवन। जो रास्ता मैंने बताया है उसी से जाना। Okay? Mama bless them.
वो बहुत ही खतरनाक इलाके में जा रहे हैं। वापस लौट जाते हैं, चलो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है सुब्बू, मेरा नसीब ही ऐसा है, जो मेरे पास होता है उसे कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं ही बैड लक हूं, मैं ही। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, चांस नहीं ले सकती। चलो 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 मेरे साथ चलो। ऋषि अब तक दूधकाशी नहीं पहुंचा ना, तो ऐसे कैसे लौट सकते हैं? ऋषि की वजह से मेरा हार्ट टूटना दूसरी बार है। तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो मिस्टर सुब्रमण्यम। बदला हुआ यानी? कुछ नहीं, हम जब हैदराबाद लौटेंगे ना तो हम जिस बार में मिले थे वहां जाएंगे। इट विल बी सो मच फन। हैदराबाद जाने के बाद उतना टाइम कहां मिलेगा, शादी के सारे काम शुरू हो जाएंगे। तुम रिया के बारे में जानती नहीं हो ना, बहुत जिद्दी है, सब कुछ उसे बेस्ट चाहिए, सांस भी नहीं लेने देगी, चांस ही नहीं है। Are you okay? आनंदी, बस थोड़ी दूर और। आनंदी, 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 क्या हुआ? आओ। पता नहीं बहुत ठंड लग रही है। मैं मेरे फ्रेंड ऋषि के लिए, अपने बेस्ट फ्रेंड ऋषि के लिए इतनी दूर आता ही नहीं, तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊं नहीं पता। नहीं, मैं तो वैसे भी पागल हूं। वो भी सही है, एक्चुअली तुम कितनी कूल हो तुम खुद भी नहीं जानती। यू आर स्पेशल आनंदी। आनंदी सो गई क्या? सच में सो गई? Yeah.
आनंदी, आनंदी, आनंदी। हेलो सुब्रमण्यम। आनंद। देखो मुझे क्या मिला है? तुम उठी कब? बहुत पहले। ऊपर बेडरूम है, नीचे डाइनिंग रूम है। कितना अच्छा है ना? मैं ऐसा लग रहा है। रुको, बाहर मौसम कैसा है देखकर आता हूँ। ए, क्या हुआ? अब तक ठंड है। मैंने कभी अपने ड्रीम हाउस के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन इससे परफेक्ट और कुछ हो ही नहीं सकता है ना सुबु? हाँ, तो फिर खाना? हाँ, खाना। वन सेकेंड, ये झोला भर के आलू है। सी, नो प्रॉब्लम। हमें क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, यहाँ सब कुछ है सुबु। पोटैटो। पता नहीं ये घर किसका है, ये आलू कब के होंगे, खा भी सकते हैं या नहीं। मेरी नानी क्या बोलती है जानते हो? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। पता नहीं कितने दिन से ये आलू हमारा इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार खत्म हो गया। वाव, स्पेशल डिश। क्या ये? सुब्बू, ऋषि, आनंदी। एक मिनट, यहाँ बैठो। ऋषि ये लो, खाओ खाओ। अब ये लो आलू का सूप। आलू से इतनी वैरायटीज बनती है, मैं नहीं जानता था। हे, फ्रेंच फ्राइज आता है? सॉस भी तो चाहिए। चुप बैठो। ये क्या है? घोड़ा है। कुत्ते जैसा लगता है। दिवाली। तुमने आलू से दिए बना दिए, सुपर आइडिया है। सुबू, सुबू, सो रहे हो क्या? सो रहे हो तो हाँ कहना। इन चार दिनों में मुझे बहुत खुशी मिली है। लाइफ में पहली बार लग रहा है कि मेरा भी कोई है। सुबू, सुनो ना, आई लव यू। आई लव यू का मतलब आई लाइक यू नहीं होता, लव यू का मतलब लव यू होता है। आनंदी, आनंदी, वो बैग क्यों पैक कर रही हो? और कितने दिन यहाँ रहेंगे? बाहर मौसम ठीक है। आनंदी, 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 क्या है ये सब? तुम्हारे शेयर्स। अभी क्यों ये सब? और कब दूंगी? तुम आओगे तब दूंगी, यही डील थी ना? अब क्यों डील की बात कर रही हो? सुबू, तुम्हारी लाइफ डिफरेंट है, मैं जानती हूँ। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, ये भी जानती हूँ। और मैं हूँ कि कुछ सोचती ही नहीं, पागल जो हूँ। लेकिन अब मैंने ऐसा नहीं कहा। सुबू, इट्स ओके, हम यहाँ ऋषि के लिए आए हैं। चलो अब दूधकाशी जाना है।
लगता है हम यहाँ आ गए। हे सुबु, ये सारे पत्थर उस पेड़ वाले बाबा ने जैसे रखे थे वैसे ही हैं। काशी है ये दूध काशी। वो मामूली इंसान नहीं था, फाइनली आ ही गया। सो ब्यूटीफुल। हम आ गए। कांग्रेट सर, मुझे पता था आप कर दिखाओगे सर। यू डिड इट सर।
इस कुर्सी पर बैठने के लिए काबिलियत चाहिए और वो काबिलियत सिर्फ सुबह में है। तुम जीतोगे मैं जानती थी। I always believed in you. Oh, come on boy, come on, sit. Subbu is our company's future. मुझसे भी आगे लेकर जाएगा। Congrats, sir. So good to have you back, sir. सर वो रमैया कंपनी है ना, उसे टेक ओवर करने की जिम्मेदारी पशुपति सर ने मुझे लेने को कहा है। आपके पास जो शेयर पेपर से मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि परसों तक उस बुढ़े को मैं बुरिया बिस्तर बांध के भगा दूं यहां से। क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी और मेहनत करो। खरीद नहीं पाओगे बोला था, हो गया, इट्स डन। इन सब ने जॉब पर विश्वास किया और आपका जो इन पर भरोसा था, सब कुछ सब खत्म हो गया। अगले दो दिन में यह कंपनी आपके नाम पे नहीं रहेगी। कम से कम मेरी बात सुनते तो कुछ ना कुछ तो बच जाता। चलो बैठकर बात करते हैं। तब आप क्या कह रहे थे, आपको कोई कितना भी पैसा दे तभी यही काम करूंगा? अगले दो दिन में यह कंपनी बंद हो जाएगी। अब क्यों कर रहे हो सर, घर जाकर आराम कीजिए ना। बैठो, बैठ जाओ। तुम्हारी आंखों पर चश्मा था ना? चश्मा तो वो, अब आपकी प्रॉब्लम यह है, अपनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी, अपने दम पर खड़ी की हुई कंपनी को छीन कर लेकर जा रहा है। आपको बुरा नहीं लग रहा है? मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा है? भगवत गीता जानते हो, उसमें एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या है जानते हो? इंसान को फल की कामना किए बिना अपने धर्म का पालन करना चाहिए, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। जिंदगी भर कमाया हुआ पैसा डूब रहा है तो बैठकर भगवत गीता के श्लोक सुना रहे हो सर? प्यार बीज स्वार्थ की बात कर रहे थे आप, उसी स्वार्थ से भरे सुब्रमण्यम और पशुपति की जीत हो रही है सर। तो जीता हुआ वो सुब्रमण्यम हारे हुए इस रामैया के पास क्या लेने आया है? वो तो है, सही है, मैं क्यों आया हूं? आपसे मुझे क्या लेना देना, आपके वर्कर से भी क्या लेने देना? अभी तक वो उसी कंपनी में काम कर रहा है क्या? कौन? पिछली बार जो आया था वही सुब्रमण्यम। अगर वो मिले तो एक सवाल पूछना, उसके मन से पूछना। ये सुब्रमण्यम आखिर कौन है? Okay, so nowadays Mediterranean style is rather popular, but what I would suggest to you is more of a classic Greek style. Sounds good. So I will fly down a designer from Greece who will recreate the atmosphere of the Pantheon for you. That's amazing. And the water served at the wedding will exclusively be imported from the Alps. Wow, did you hear that, Subbu? Isn't that a wonderful idea? Subbu? सॉरी रिया, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं। ये शादी नहीं होगी, कैंसिल, आप जा सकती हैं। सुबू मजाक कर रहे हो? नहीं रिया, मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम वेरी सीरियस। परसों तक पेंट हाउस में रहने वाला, बहुत आगे बढ़ना चाहता था, आगे बढ़ा भी, यहां तक पहुंचा भी, लेकिन बाद में रॉबर्ट नाम के आदमी से मिला था, उसकी कही हुई बातें याद करके अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखा तो ये बिल्डिंग्स, ये कार्स, मैंने कमाए हुए पैसे कुछ भी नहीं दिखा। क्या दिखा जानती हो? हिमालय ने अपने गोद में उठाई छोटी बच्ची का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये सब नहीं, हिमालय जाकर तुम्हारा कहीं दिमाग खराब हो गया है? एक तरह से तो हाँ, मुझे वहां पर जाना पड़ा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है रिया। सच जहां हो सच ही होता है। मुझसे तुम हमेशा क्या कहती हो? हाँ, मुझसे शादी करने की वजह से मैं विनर हूं और मैं टैलेंटेड हूं कहा करती थी, लेकिन कभी आई लव यू नहीं कहा तुमने।
कैसे कहोगी? असल में प्यार है कहाँ? प्यार नहीं है। ऋषि ने एक बार पूछा था, अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ। मैंने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि है ही नहीं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि मैं भी उस समय ऐसा ही सोचता था। तब हम परफेक्ट कपल थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम्हें जो सुब्रमण्यम चाहिए वो ऋषि के साथ दूधकाशी में ही रह गया। वो अलग था, ये अलग है। सुब्बू, डोंट टॉक रबिश। क्या रबिश? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सी सी, यू आर ब्यूटीफुल, आई लाइक यू यानी आई लाइक यू ही है, आई लव यू नहीं है। हे, आई लव यू का मतलब आई लाइक यू नहीं होता, आई लव यू का मतलब आई लव यू है। मुझे जाना पड़ेगा, एक्चुअली आई नीड टू लीव। ये कार्ड तुम्हारे लिए भेजा था, थोड़ा लेट आया। सुबू, अगर बाहर गए तो इट्स ओवर। आई एम सीरियस, सेकंड चांस नहीं मिलेगा। यही मेरा सेकंड चांस है। से हाय टू योर डैड, एक्चुअली से बाय। किसी पर भरोसा नहीं करना, फिर चाहे वो फ्रेंड्स हो या स्ट्रेंजर्स हो या अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो। व्हाट इज दिस? कोई साथ नहीं देता है इस दुनिया में, आखिरी तक साथ देने वाला कभी कोई नहीं मिलता है। सब अकेले ही जिंदगी जीते हैं, कौवे के जैसी। सुनो टीचर, तुम बच्चों को कराटे सिखाने वाली हो तो बीच में ये कहानी कहाँ से आ गई? वही तो सिखा रही हूँ। Hey, listen, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, okay? Take position, come on. सब पैर्स में खड़े हो जाओ, face your partner. मैं जैसा करूंगी तुम्हें वैसा ही करना, okay? Follow me. Demonstration के लिए एक volunteer चाहिए। कौन आएगा? अंकल आप? Sorry, एक फोन था। अरे कोई तो आ जाओ, we have just 5 minutes, please come. हाँ, great, great, come. शादी का इनविटेशन देने आए हो तो मैं दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी, समझे? मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आए हो? मेरे पास और कोई शेयर्स नहीं है। अपनी लाइफ में शेयर दे दो बस। ए, 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 हाथ हाथ तो रिया का क्या हुआ? अपना एमबीए फॉर्मूला भूल चुके क्या? स्ट्रेंथ वीकनेस जाने क्या क्या। हमारा स्कोर तो जीरो होगा सुब्बू, तुम्हारे लिए रिया ही सही है। वो तब था, अब नहीं है। अब रिया से शादी करके उसकी लाइफ बर्बाद करना सही नहीं होगा। और अब मेरी लाइफ बर्बाद करोगे? अरे ऐसा नहीं है, 10 करोड़ के घर में रहने के बावजूद भी तुम्हारा खाना ही याद आ रहा है। 5-star होटल में भी आलू ही ऑर्डर करता हूँ, इससे तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हें आलू पसंद है, यही। अरे पागल, तुम्हें पसंद करता हूँ। इससे पहले तो मैं हर चीज का हिसाब करता था, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत है मुझे। आई रियली 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 वेट, आई लव यू यानी आई लव यू, आई लाइक यू नहीं होता, आई रियली रियली। रुक जा रे बाबा, आई रियली रियली। अरे रोक ले यार, लाइफ की बात हो रही है, तू भी ना। तुम नहीं कहोगी? ऋषि ने एक बार अपनी लव स्टोरी बताने के लिए कहा था, तब मेरी कहानी नहीं थी, लेकिन अब लव स्टोरी है, लेकिन ऋषि नहीं है। अब बस तुम ही तो हो मेरी पूरी जिंदगी। मुझसे अच्छी लड़की मिल गई तो? तुम्हारे पागलपन को झेलने के लिए पूरी जिंदगी लगेगी, तो दूसरी लड़की को देखने का टाइम ही नहीं है। अरे देखो ना, तो आंखें नोच लूंगी। डन डन डन। तुम्हें भूतों से डर लगता है ना? ये सवाल अभी क्यों पूछ रही हो? तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। मेरे पापा कृष्णमूर्ति, हाँ वो मर चुके हैं ना, हर रोज मिडनाइट को मुझसे मिलने आते हैं, हवा में धीरे से। अब एक मिनट, उठो उठो जरा, उठो उठो, एक मिनट उठो। किसे फोन कर रहे हो? रिया को, शादी कैंसिल कर रही होगी। हाँ? रोकने बोलता हूँ। हाँ, बोलो, बोलो। नहीं, नहीं। बोलने के लिए मेरी लाइफ सेट हो जाएगी ना, तुम्हारे साथ रहके क्या करूँ? तुम तो भूतों के साथ बात कर रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। साहब साहब, चेयर्स आए हैं साहब। वो क्या है? कुछ जॉब एप्लीकेशन जैसा है। दादाजी को कैसे लाए? मैंने कार दे दी, उन्होंने दादा दे दिए एक्सचेंज ऑफर। वो भी खुश और मैं भी खुश।